दो लड़कों एंड लड़कियों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको फ्यूचर में एक ब्लॉगर बनना है या फिर यूट्यूब पे अपनी लाइफ को स्टोर करना है या आपको आपकी मेमोरीज को कैप्चर करना अच्छा लगता है तो इस वीडियो के एंड तक आप एक प्रोफेशनल ब्लॉगर बन ही जाओगे। तो व्लॉगर बनने के लिए कुछ चीजें हैं जो पहले हम शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। तो लिस्ट में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका नेचर। तो सबसे पहले तो आप एक एक्सट्रोवर्ट इंसान होने चाहिए, या अगर आपको ग्राउंड में चलने से डर लगता है, आपकी आंखें नीचे हो जाती हैं, तो माय डियर्स आपको ये चेंज करना पड़ेगा। अब इसको चेंज कैसे करेंगे वो आप सुनो। अब मान लो आपकी एज है 15-16 और आप बाहर जाते हो अपने दोस्तों या फिर कजन्स के साथ खेलने कूदने या फिर खाने पीने, तो ये मौका आप यूज करो और पब्लिक में कैमरे से बात करने की ऑकवर्डनेस को खत्म करो। या फिर अगर आपकी एज है 18-19-20 तो आप अपने कॉलेज के या फिर अपने पुराने स्कूल के दोस्तों के साथ बाहर जा सकते हो। और अगर आपकी एज है 22-23-24 साल की तो आप अपने ऑफिस में कलीग से पूछ सकते हो कि क्या वो संडे को फ्री है, और अगर फ्री है तो क्या वो आपके साथ बाहर जा सकते हैं वीडियो बनाने के लिए। और अगर कोई जाए ना जाए, अपने स्पाइडी भाई तो मॉनिटर से जरूर बाहर निकलते हैं। तो ये मैजिकल मॉनिटर है, किसी को चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो जब मैं ऑफिस में था, जॉब करता था, तो जब मैं फ्री होता था संडे को तो मैं अपने कलीग से पूछा करता था, और या तो ऑफिस की छत पे मैं शूट करता था वीडियो या फिर बाहर जाता था। तो अभिजीत ने एक वीडियो बनवाई थी मेरी, लैपटॉप क्रिएटर करके ऐसे कुछ मैंने वीडियो बनाई थी, वो नेहरू स्टेडियम के वहाँ पे शूट हुई थी, तो अभिजीत ने वो मदद करी थी मेरी। और ऑफिस में जब भी मेरे को वीडियो बनानी होती तो सभी लोग मदद करते थे। तो ऐसे आप भी पूछ सकते हो अपने जो ऑफिस में आपके साथ जो काम करते हैं उनसे आप पूछ सकते हो और हेल्प ले सकते हो और फिर चैनल अपना ग्रो कर सकते हो। ऐसे आप अपना कॉन्फिडेंस भी गेन करोगे और धीरे 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 जब आपको ये लगने लगेगा कि ये आपका काम ही है कैमरे से बात करना, तो आप अकेले भी बाहर बात कर सकते हो बिना हिचकिचाए। चैनल नेम, अब इसमें कभी कंफ्यूज मत होना कि अगर आपको व्लॉगर बनना है तो आपके चैनल के नाम के आगे व्लॉगर या व्लॉग्स वर्ड यूज होना जरूरी है। आप अपने चैनल का नाम कुछ भी रख सकते हो। एक बार आपका कॉन्टेंट, आपकी वीडियोज वायरल होने लगेंगी तो आपका चैनल अपनी पहचान खुद बना लेगा। हाउ टू शूट व्लॉग्स। तो लड़कों और लड़कियों देखो, स्टार्टिंग में व्लॉग शूट करने के लिए आपके फोन से कुछ और दूसरा ऑप्शन बेस्ट हो ही नहीं सकता। बस आपका फोन 1080p रेजोल्यूशन में वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए एंड यू आर गुड टू गो। यू क्या ना देखो, फिर ऐसे सही भी रहता है। क्या रहता है सही? व्हाट सॉफ्टवेयर यू शुड यूज। अब अगर आप फोन से ही व्लॉग शूट कर रहे हो और फोन से ही एडिट कर रहे हो तो एंड्रॉइड यूजर्स यूज करेंगे काइनमास्टर ऐप, और आईफोन यूजर्स यूज करेंगे iMovie या फिर काइनमास्टर ऐप। और अगर आप पीसी या फिर लैपटॉप में एडिट कर रहे हो तो आप यूज करोगे वंडरशेयर, फिल्मोरा या फिर Adobe प्रीमियर प्रो। और इन सब एप्लीकेशंस या फिर सॉफ्टवेयर्स को सीखने के लिए आपको कोई भी इंस्टीट्यूट वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, ये सबके ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पर ही अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आप इजिली घर बैठे बैठे ही प्रो हो सकते हो और अपने पैशन को करियर में बदल सकते हो। हाउ टू गेट व्यूज ऑन व्लॉग्स। अब देखो, पहले मैं बहुत इंटरेस्टेड रहता था जस्टिन बीबर की लाइफ को देखने में, जैसे 18 बर्थडे पे उसके मैनेजर ने उसको स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करी थी, या फिर वो कितने बड़े घर में रह रहा है, या फिर अभी वो कौन से टूर पे है। तो ये बात बताने का मेरा एकमात्र लक्ष्य ये था कि आपकी लाइफ को एक रैंडम यूट्यूब पे स्क्रॉल करता हुआ व्यूअर क्यों ही देखेगा। जब तक उसको अपने खुद के बेनिफिट के लिए कुछ नहीं मिलेगा तब तक वो आपकी वीडियो तो दूर, वो आपके थंबनेल को भी ढंग से नहीं देखेगा। तो इसका सलूशन ये है कि आपको कॉन्टेंट बनाना है उन चीजों पर जो इंटरनेट पर ऑलरेडी फेमस है या फिर चर्चों में रहती हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि आपके दोस्त ने, आपकी फैमिली में, आपके दोस्त की फैमिली में कहीं भी दूर दूर तक किसी ने गाड़ी खरीद ली है, तो आप उनसे पूछो कि क्या आप उनकी कार डिलीवरी का व्लॉग शूट कर सकते हो, और अगर कर सकते हो तो कार्यक्रम तो वहीं से शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखो क्या है कि गाड़ी ऑलरेडी फेमस है, कार की कंपनी करोड़ों रुपए लगाती है उसकी एडवर्टाइजमेंट पे, रोडों पे, यूट्यूब पे, टीवी पे, हर जगह वो लोगों को दिखती रहती है। और जिस इंसान को वो गाड़ी खरीदनी होगी उसको आपका व्लॉग मिलेगा यूट्यूब पर। अब चाहे आपके 0 सब्सक्राइबर ही हो लेकिन अगर आपने वो गाड़ी का व्लॉग बना रखा होगा तो आपकी वीडियो जरूर दिखेगी। और जो वो ढूंढ रहा था व्लॉग में, अगर वो उस व्लॉग में उसको मिल गया व्यूअर को, तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा और आपके वीडियो को लाइक भी करेगा। क्योंकि कहना देखो, फिर ऐसे सही भी रहता है। क्या रहता है? स्टोरी। तो हर मूवी में और व्लॉग में 3 पार्ट्स होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, मिड पॉइंट एंड एंड पॉइंट। जैसे हर मूवी के स्टार्टिंग में एक्टर एक्ट्रेस के बचपन को दिखाया जाता है, उनका मिलना दिखाया जाता है, फिर मिड पॉइंट में उनका बिछड़ना दिखाया जाता है, और एंड में हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है, दोनों को वापस मिलता हुआ दिखाते हैं। तो वैसे ही हर व्लॉग के स्टार्टिंग में कैरेक्टर को सुबह उठना दिखाया जाता है, और मिड पॉइंट में उसको मंजिल पर पहुंचना दिखाया जाता है, और एंड में दिखाया जाता है कि हाँ, जो आज हम काम करने निकले थे वो हम काम खत्म करके आ गए हैं। तो अगर आपने इस फ्लो को फॉलो किया और इसमें अपना स्टाइल ऐड कर दिया
दिया, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपका व्लॉग दूसरों से हटके दिखेगा। और मैं तो कहता हूँ कि आप हटके ही करो, क्योंकि इसका नुकसान ये होता है कि आप सही समय से पहले रेलेवेंट होना बंद हो जाते हो। तो अब आते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट पे, जो कि है स्टाइल। तो एक ब्लॉगर का काम होता है अपने लाइफ के अराउंड होती चीजों को अपने व्यूअर को दिखाना। तो अगर आप जैसे हो, आप वैसे ही शूट करके अपने व्लॉग्स को व्यूअर को दिखाना चाहते हो, तो आप ये भी कर सकते हो, ये भी सही है। लेकिन अगर आपको अपने व्लॉग के बीच बीच में कोई जोक्स देने हैं, या फिर कोई न्यूज देनी है, या फिर मेरी तरह VFX देने हैं, एडिटिंग दिखानी है, तो आप ये सब भी कर सकते हो अपने व्लॉग को, अपने कॉन्टेंट को आइडेंटिटी देने के लिए। तो लड़कों एंड लड़कियों, ये थी आज की वीडियो। तो वीडियो कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना। लाइक हम रखते हैं 10,000 कर देना, छोटा ही लाइक गेम रखा हुआ है। और बहुत सारी अपडेट्स देनी है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और हमारे 4 लाख सब्सक्राइबर होने में कुछ कितने अब हमारे हो गए हैं, 3,60,000, 40,000 बचे हैं। तो फटाफट से ये अपना एम भी एक पूरा करवाओ, क्योंकि 4 लाख सब्सक्राइबर स्पेशल वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं बताने वाला हूँ कि हाउ यू कैन ग्रो योर यूट्यूब चैनल। तो अब तक 6 सालों से मैं YouTube कर रहा हूँ, और मैंने क्या क्या ट्रिक्स जो भी हैं मेरे को पता है, छोटे हैक्स, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो उसके लिए भी ज़रा चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को ज़रा ऑल पे क्लिक कर दो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जा रही है। तो और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए सपने देखते रहो, क्योंकि जब तक सपने देखोगे नहीं तब तक उनको पूरा नहीं कर पाओगे। तो और मिलता हूँ, बाय बाय।